रामनगर जिम कार्बेट पार्क पहुंचे उत्तराखंड के गवर्नर। धनगढ़ी स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण की जानकारी देख हुए अभिभूत। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज विश्व प्रसिद्ध जिम कार्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में अपने परिवार संग रात्रि विश्राम पर गए। ढिकाला जाने से पूर्व उन्होंने ढिकाला प्रवेश द्वार के धनगढ़ी गेट पर इंटरप्रिटेशन सेंटर का भ्रमण किया। इस दौरान म्यूजियम में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण की जानकारी से राज्यपाल अभिभूत हुए। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज रामनगर कार्बेट पार्क पहुंचे, जहां वे आज अपने परिवार संग निकले, जहां पर वह रात्रि विश्राम के लिए गए। वहीं भ्रमण पर जाने से पूर्व राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं विश्व प्रसिद्ध जिम कार्बेट नेशनल पार्क के सबसे प्रसिद्ध जोन ढिकाला में रात्रि विश्राम के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैंने यहाँ का इंटरप्रिटेशन सेंटर देखा, उन्होंने कहा, जिसे देखकर मैं अभिभूत हूँ। उन्होंने कहा कि कार्बेट प्रशासन द्वारा इतना सुंदर इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर वन्य जीवों की संपूर्ण जानकारी संग्रहालय में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हमें प्रभु का एक आशीर्वाद प्राप्त है कि हम 71% से ज्यादा वनों वाले प्रदेश में रहते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ पर वनों के संरक्षण व वन्य जीवों की जानकारी संपूर्ण तरीके से इंटरप्रिटेशन सेंटर में दी गई है। राज्यपाल ने इसको लेकर कार्बेट प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा, यहाँ जो भी पर्यटक आए वह ये भी देखें कि संग्रहालय में यहाँ से भी सीखें कि वन और वन्य जीवों का जीवन कैसा है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में प्रभु बहुत ही प्रसन्न है कि उन्होंने हमें इतना बड़ा वरदान दिया है। हमारे पास 71% से ज्यादा फॉरेस्ट है और साथ ही कार्बेट नेशनल पार्क भी है। उन्होंने कहा, इसी कारण जो इको टूरिज्म होता है और कार्बेट नेशनल पार्क विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से G20 का इतना बड़ा कार्यक्रम भी रामनगर में हुआ। उन्होंने कहा, मैं तो पूरी दुनिया में जाकर कहूंगा, अगर आपको फॉरेस्ट के साथ ही वाइल्ड लाइफ का आनंद लेना है, टाइगर्स को, एलिफेंट को और अन्य जानवरों को देखना है उसके असल वास्तव असलों में, तो आप कार्बेट पार्क में आए, बहुत ही मजे करेंगे। आइए दिखाते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा। आज सचमुच मुझे बहुत खुशी हो रही है, ढिकाला में जा रहा हूँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और मैंने अभी इंटरप्रिटेशन सेंटर यहाँ का देखा और मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ने इतना सुंदर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया है। हम सब की जो फॉरेस्ट के साथ में, जो वाइल्ड एनिमल्स के साथ में, जो प्रभु का एक वरदान है हम सब को, उसके साथ में उसके बारे में बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन और म्यूजियम का एक दौर बनाया है। मैं तो उस टीम को बहुत शाबाश देना चाहता हूँ जिसने ये रामनगर के अंदर में हिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर में इतना सुंदर म्यूजियम और इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया है। मैं तो कहूँगा कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं उसको देखें, ताकि पता चले कि हमारी वन की संपत्ति क्या है, प्रभु का आशीर्वाद क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु उत्तराखंड के साथ में अत्यंत प्रसन्न है कि हमको इतना वरदान दिया है। हमारे प्रदेश में तो 71% से भी ज़्यादा फॉरेस्ट हैं। ये हमारी फॉरेस्ट हेल्थ, फॉरेस्ट वेल्थ, और मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और इसके कारण जो इको टूरिज़्म होता है, इतना टूरिज़्म रामनगर में आता है, जिम कॉर्बेट को देखने की आता है। और सौभाग्य है कि जो G20 की मीटिंग हुई थी, उससे सबसे पहले मीटिंग यहाँ हुई थी, तो ये पूरा एक ग्लोबल टूरिस्ट मैपिंग के ऊपर में आया है। और इससे जो जंगल के साथ में, वाइल्ड लाइफ के साथ में, जो फॉरेस्ट का वरदान है, उसका जो आशीर्वाद मिला है, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। मैं तो पूरी दुनिया को कहूँगा कि अगर आपने फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ का आनंद लेना है, अगर आपने यहाँ पर टाइगर्स को, एलिफेंट्स को, जंगल के अन्य जानवरों को देखना है, एक नेचुरल सेटिंग के अंदर में देखना है, तो यहाँ रामनगर जिम कॉर्बेट टाइगर ढिकाला में आइए। यू विल एंजॉय इट इमेंसली। आपका एक कनेक्शन बन जाएगा फॉरेस्ट के साथ में, नेचर के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में, पानी के साथ में, लेक्स के साथ में, एक अलग ही आपका रिश्ता बन जाएगा। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। मैं उत्तराखंड के हर एक फॉरेस्ट अधिकारी को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ कि दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। हमारे सामने बहुत चैलेंजेस भी हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर, ये सब चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी फॉरेस्ट सर्विस बहुत ही तगड़ी है और प्रोफेशनलिज्म में बहुत ही, मेरी सबको शुभकामनाएं।